गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ABI कॉलेज, सेकेंड ईयर क्लास, सब्जेक्ट उर्दू। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर के अजबाक से दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो एक माली के बारे में है। माली जो पौधों की निगहदाश्त करता है, उसे माली कहते हैं। ये माली की कहानी है। मकबरे राबिया दुरानी, औरंगाबाद में माली था और वो वहाँ पर रहते रहते बहुत सारी जड़ी बूटियों से वाकिफ हो गया था। और वो जो काम कर रहा था, वो खुद इतना भोला भाला था कि उसे खुद इल्म ना था कि वो कितनी नेकियां कर रहा है, कितने अच्छे काम कर रहा है। आज उसी माली के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है नामदेव माली। ये सबक मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है। सबक शुरू करने से पहले मुसन्निफ़ के तारुफ़ पर नज़र डालेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़। अब्दुल हक उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ के कस्बे हापुड़ के सरावा गांव में 20 अप्रैल 1870 को पैदा हुए। वालिद सूबे पंजाब में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम सरावा हारपुड़ में हुई। फिरोजपुर पंजाब से मिडिल स्कूल का इम्तिहान कामयाब किया, फिर अलीगढ़ आए। 1894 में BA किया। तालीम से फरागत के बाद हैदराबाद आए और मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। आसिफिया हाई स्कूल के सदर मुद्दरिस भी रहे। अफसर जंग के रिसाले अफसर की इदारत भी की। उर्दू लगत की तैयारी का काम किया। लगत डिक्शनरी को कहते हैं। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1916 में जामे उस्मानिया के शोबे दार तर्जुमा के नाजिम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू भी मुकर्रर हुए। मौलवी अब्दुल हक ने हमाजहत कारनामे अंजाम दिए। सहाफ़ी की हैसियत से मारफ अफसर, बोरस, उर्दू और साइंस जैसे रसायल के एडिटर रहे। एक मर्तब की हैसियत से उर्दू के कदीम तस्करे जैसे निकात शोरा, तस्करे रेखता गोया, मगजन निकात, अक्द सुरैया और तस्करे हिंदी वगैरह की इशात अमल में लाई। गोलकुंडे की मशहूर मसनवियाँ यूसुफ जुलेखा और खुतब मिश्तरी को मुकदमे और फरहंग के साथ शाये किया। मसनवी गुलशन इश्क और ख्वाब व ख्याल को भी मर्तब किया। नसरती दीवान असर, इंतखाब कलाम मीर के अलावा अली नामा और तारीख इस्कंदरी पर भी तबसरा किया। उर्दू की नशोनुमा में सूफिया कराम का काम इनकी एक अहम तहकीकी तसनीफ है। इनके शागिर्द शेख चांद ने मौलवी अब्दुल हक के खाकों को मुर्तब करके चंद हम असर के नाम से 1937 में शाये किया। उर्दू के एक मुहक्किक, माहिर दक्कनियात, ख्वायद नवीस, लुगत नवीस, मरखा निगार, खाका निगार और निकात की हैसियत से मौलवी अब्दुल हक साहब की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए उर्दू की नायाब किताबों की इशात का सिलसिला शुरू किया और सारी उम्र उर्दू की खिदमत में गुजार दी। इसीलिए इन्हें बाबाए उर्दू के खिताब से नवाजा गया। तकसीम मुल्क के बाद 1948 में इन्होंने पाकिस्तान हिजरत की और 16 अगस्त 1961 को कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर वहीं इंतकाल किया। अंजुमन तरक्की उर्दू के अहाते में सप्रद खाक हुए। ये था शायर का तारुफ। शायर के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम सबक शुरू करते हैं। नामदेव माली। नामदेव मकबरा राबिया दुर्रानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। कौमों का इम्तियाज मसनवी है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसी ऊंची ज़ात वालों में। खैस हो, कोह कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था।
मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते में ही था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन अपने काम में मसरूफ पाता। बाज़ दफ़ा इसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा इसका थानोला साफ कर रहा था। थानोला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर इसे देखने लगता। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब इसमें लिज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं रहेगा। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपना काम छोड़कर इसे देखा करता, मगर इसे कुछ खबर न होती कि कोई इसे देख रहा है या इसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता। इसके कोई औलाद न थी और वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश करता। इनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, इनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते और फूलते फलते इसका दिल भी बढ़ता और फूलता है। उनको तवाना और टांटा देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता है या कोई और रोग पैदा हो जाता तो उसे बड़ी फिक्र होती। बाज़ार से दवाएं लाता, बाग के दारोगा या मुझसे कहकर मंगवाता। दिन भर इसी में लगा रहता और इस पौधे की ऐसी सेवा करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज़ बीमार की करता है। हज़ार जतन करता और इसे बचा लेता और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता इसे चैन ना आता। इसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते और कभी कोई पेड़ ज़ाय ना होता। ये नामदेव माली नाम का एक माली था। वो बड़े जतन से अपने बाग की निगहदाश्त करता था जैसे कि कोई एक माँ अपने बच्चों से जिस तरह प्यार करती है, जिस तरह उनकी देखभाल करती है, उन्हें तकलीफ़ होने नहीं देती। अगर वो बीमार हो जाएं या उनकी तबीयत में कुछ ख़राबी आ जाए तो जैसा वो बेचैन होकर उसका इलाज करवाती है और जब तक कि वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए उसी में लगी रहती है। इसी तरह नामदेव माली एक माली था। वो एक गरीब आदमी था। वो जो है मुसन्निफ़ के घर में जो बाग है उसी बाग में माली था। मुसन्निफ जब भी कुछ लिखने के लिए बैठते तो अपनी खिड़की में से उसे देखते रहते। उसे तो कोई ख़बर ना होती कि मुसन्निफ उसे देख रहे हैं। वो अपने काम में इस हद तक मशगूल होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो भी उसे ख़बर नहीं होती। और जब कोई पौधा उसका अगर कुछ मुरझा जाए या उसमें कुछ ख़राबी देखेंगे तो फौरन बेचैन हो जाता है और जब तक कि वो पौधा ठीक ना हो मुसन्निफ़ से कहकर उसके लिए दवाएं मंगाता है और जितनी भी देखभाल निगहदाश्त हो सके उसकी करता है। जब तक कि वो मुकम्मल ठीक ना हो जाए वो पौधा, वो चैन से नहीं बैठता और उसका लगाया हुआ कभी कोई पौधा ये पेड़ ज़ाय नहीं हुआ। बागों में रहते रहते इसी जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी। ख़ास कर बच्चों के इलाज में इसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग इसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफ़क़त और गौर से इनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी इसे इलाज के लिए बुला ले जाते।
बिला तामिल चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता। क्या हो गया था ये नामदेव माली, जब बाघ के निगहबान दाश करते रहता था तो उसे कई किस्म की दवाएं मालूम हो गई थी, जो अक्सर बच्चों को पिलाई जाती हैं, जो जड़ी बूटियां बच्चों को दी जाती हैं, वो तमाम चीज़ें उसे मालूम हो गई थी। तो लोग गरीब व जवार के लोग आकर उससे अपने बच्चों का इलाज करवाते थे, वो खुशी खुशी उन्हें बग़ैर कोई मुआवजा लिए कि उनका इलाज करता था। फिर कभी कभी तो दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे और वो बिला तामिल उसे जब बुलाया जाता किसी गांव वगैरह में खरीब के, तो बग़ैर किसी उजर के वो वहां पर चला जाता, वो मुफ्त इलाज करता और किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका क्या मजाल, जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे, रोशीन बाकायदा, थानोले दुरुस्त, सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर, झाड़ना बहारना सुबह रोज़ाना, गर्ज सारे चमन को आईना बना रखा था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था। जब एक इंसान के अंदर पाकी होती है, सफाई होती है, तो वो यही कोशिश करता है कि अपने अतराफ अकनाफ की चीज़ें भी साफ़ सुथरी ही रहें। उसी तरह ये नामदेव जो है वो ख़ुद भी बहुत साफ़ सुथरा रहता था और हर तरीके से अपने बाग को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करता। बाग के दारोगा अब्दुलरहीम ख़ान फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए या बीड़ी पीने लगे या साये में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहल और कामचोर वाक़ हुआ है, आराम तलबी हम में कुछ मौरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया व माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, न सताइश की तमन्ना न सिलेह की परवाह। नामदेव को अपने काम से मोहब्बत थी, इसलिए वो कभी खाली नहीं बैठता, न काम चोर था वो, न आराम तलब था। अक्सर ये देखा गया है, इंसान की ये फितरत होती है कि जब तक दूसरा कुछ काम के लिए ना बोले वो थोड़ा काम चोरी करता है, फिर उस पर जो ऊपर वाले होते हैं वो जब देखने आते हैं या देख रहे हैं मालूम होता है, या निगरानी कर रहे हैं जब मालूम होता है, तो अपना काम ठीक ठाक करता है। मगर नामदेव माली के लिए ये तमाम चीज़ें नहीं थीं। वो बाग को और पौधों को वो अपने औलाद की तरह समझता था, इसलिए वो दुनिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, ना उसे किसी की सताइश तारीफ करने की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, और न किसी से रिटर्न मिलना जो सिले के तौर पर कुछ इनाम वगैरह की ख्वाहिश थी। काम से उसे मोहब्बत थी, वो अपना काम करता चला जाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुओं और बावलियों में पानी बराए नाम रह गया, बाग में आफत टूट पड़ी, बहुत से पौधे और पेड़ तलफ हो गए। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए थे जैसे दिख के बीमार, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठा के लाता और पौधों को सींचता। ये वो वक्त था कि क़हत ने लोगों के अवसान खता कर रखे थे और इन्हें पीने को पानी मुश्किल से मैसर आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं न कहीं से ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो इसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू किया। पानी क्या था, यूँ समझिए कि आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आब हयात था। एक साल ऐसा हुआ कि पानी की कमी हो गई, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, अतराफ अकनाफ के कई बागात मुरझा गए, वहाँ पर जो बाग पौधे वगैरह थे वो प्यास की वजह से निडाल हो गए और कई तो सूख गए। मगर नामदेव का जो बाग था वो जैसे का वैसा हरा भरा था, क्योंकि वो उसे सींचने के लिए दूर दूर से एक एक घड़ा पानी लाकर अपने पौधों को पानी डालता, बहुत दूर दूर
जाकर पानी जहाँ भी मिलता वहाँ से पानी लाता और पानी अपने पौधों को देता। यहाँ तक के बाद में ये भी मुश्किल हो गया तो वो रातों को जाकर पानी ढो ढो कर एक एक घड़ा पानी लाता। पानी क्या होता, आधा कीचड़ और आधा पानी होता, मगर वो भी पौधों के लिए आब हयात से कम ना था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर इसे इनाम देना चाहा तो इसने लेने से इनकार कर दिया। शायद इसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहक नहीं होता, कैसी ही तंगी तुरशी हो तो वो हर हाल में करना ही पड़ता। जब मुसन्निफ इसकी ये बेलोस खिदमत देख रहा था, बेमिसल कारीगरी देख रहा था, तो उसने उसे कुछ इनाम देना चाहा माली को, तो उसने लेने से इनकार कर दिया कि शायद उसका कहना ठीक था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में जो मेहनत करते हैं उसके लिए इनाम के मुस्तहक नहीं होते और ना वो इनाम की तलब करते हैं या किसी सिले की उम्मीद रखते हैं। कैसी तंगी तुरशी हो, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। जब आला हज़रत हुजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आब हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नवाब सिराज यार जंग बहादुर नाजिम तालीमात के तफवीज़ हुआ। डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बागबानी मशहूर था। मकबरे राबिया दुरानी और इसका बाग जो अपनी तरबियत व तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्किन था और झाड़ झंकार से पटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज शादाब और आबाद नज़र आता है। अब दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और सैर व तफरी से महजूज होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े क़दरदान थे, उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरानकार और बीसियों माली और माली भी कैसे कैसे टोक्यो से जापानी, तहरान से ईरानी और शाम से शामी आए थे। उनके बड़े ठाट थे। डॉक्टर साहब शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। उसने ना फन बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और ना उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था, अलबत्ता काम की धुन थी, काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी इसी का काम महाकाज रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते सेंधी शराब पीते, ये न किसी से लड़ता झगड़ता और न सेंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बीड़ी भी न पी। बस ये था और उसका काम। एक दिन न मालूम क्या बात हुई, शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है, वो बराबर अपने काम में लगा रहा। इसे क्या मालूम था कि खजा इसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक झकड़ इस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ इसे शहादत नसीब हुई। जब शाही बाग में उसे ले जाया गया, वहाँ पर दुनिया के मशहूर मुकामों से माली आए हुए थे जो उस फन में माहिर थे। कोई डिप्लोमा करा हुआ, कोई उसमें सनद लिया हुआ था, मगर इसके पास ना कोई सनद थी ना कुछ था, बस उसका काम था, उसी में वो खुश था। बस वो अपने काम में इतना मगन होता, खुशी खुशी हर काम करता। एक दिन अचानक शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, मतलब शहद की मक्खियाँ अचानक गलबा मचाईं और सब माली भाग गए, सब लोग छुप गए, मगर नामदेव माली को उसकी खबर भी नहीं हुई। वो अपने काम में इतना मगन था कि शहद की मक्खियों के आने का भी उसे इल्म ना हुआ। उन्होंने उसे इतना काटा कि वो बेदम हो गया और आखिर इसी में उसकी जान चली गई। मुसन्निफ कहते हैं कि ये उसे शहादत नसीब हुई, क्योंकि वो अपने काम से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी लगन से काम करता था कि उससे उसकी काम की वजह से उसे शहादत का मर्तबा मिला। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मनकसरुल मिजाज था। उसके चेहरे पर बशाशत
और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी, इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात से बढ़कर मदद करता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। इसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए इसे अपने काम पर फख्र या गुरूर ना था। वो ये बातें जानता ही ना था। इसे किसी से बैर था ना जलापा। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन इसे कभी ये एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी इसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ इसने ये समझना शुरू किया तो नेकी नेकी नहीं रहती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गुरूर आ जाता है। जब भी किसी इंसान को मालूम हो जाता है कि वो नेकी कर रहा है, ये काम नेकी के हैं, मैंने इतनी नेकियाँ की हैं, तो फितरी तौर पे उसमें थोड़ा सा गुरूर, जो अना कहते हैं, में वो आ जाता है। इसीलिए जब तक अगर हमें ये ना मालूम हो कि हमने ये नेकी की है, तो हमें ये गुरूर नहीं होता। इसी तरह नामदेव का हाल भी वही था। उसे ये तक नहीं मालूम था कि उसने कितनी नेकियां की हैं, क्या क्या नेकियां कर रहा है। वो सुबह से शाम तक नेकियों में ही मशगूल रहता है। काम, उसके काम से मोहब्बत थी, उसकी सबसे बड़ी नेकी वही थी। उसके बावजूद उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्ज कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्ज कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है। हिसाब के दिन जब आमाल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी और किसकी पूजा पाठ या इबादत की। वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं। वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद तुझ में वदियत की थी, इसे कमाल तक पहुंचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया, और खल्क अल्लाह को इससे क्या फैज पहुंचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मायार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था। था तो ज़ात का धेड़, पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो अच्छाई होती है वही इंसान को इंसान छोटा बड़ा उसकी अच्छाई और बुराई की वजह से होता है, ना कि दौलत की वजह से, ना ख़ानदान की वजह से वो बड़ा और छोटा होता है, बल्कि वो अपनी अच्छाई की वजह से, अच्छाइयों की वजह से बड़ा होता है। और दर्जे कमाल तक तो कोई भी नहीं पहुंचता, लेकिन जहां तक नेकी बढ़ाई जाती है, कमाल, उस दर्जे तक तो इंसान कोई गरीब कोई अमीर भी पहुंच सकता है। हिसाब के दिन जब आमाल की जांच पड़ताल होगी तो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुमने किसकी पूजा पाठ की है, किसकी इबादत की है, बल्कि वो किसी इबादत का, किसी बंदे की इबादत का मोहताज नहीं है। वो पूछेगा तो ये पूछेगा, मैंने जो तुम्हें दुनिया में भिजाया था, तुम किस किस के काम आए, किस किस के लिए क्या किया, कि क्या क्या अच्छाइयाँ की, लोगों के किस तरह से काम आए, तो लोगों को किस तरह से तुमसे फैज पहुंचा। यही नेकी है और यही बड़ाई है। अगर यही बड़ाई और नेकी है तो काम की लगन को देखकर रामदेव बहुत ही नेक और बड़ा इंसान था। था तो वो अपनी ज़ात के हिसाब से धेड़ था, मतलब कम ज़ात का था, मगर अच्छे अच्छे शरीफों से, बड़े बड़े रुतबे के लोगों से, बड़े दर्जे के लोगों से भी वो बहुत बेहतर था। सबक यहीं पर ख़त्म होता है।